हाय फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी मैंगो शीरा। बहुत ही टेस्टी बनता है और इसमें आम का फ्लेवर और भी ज़्यादा इसे टेस्टी बना देता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंगो शीरा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली हुई है। इसमें मैं करीब 4 से 5 बड़े चम्मच देसी घी के डाल दूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी 1 मीडियम बोल रवा, यहाँ पर लिया हुआ है मैंने, और इसे धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भून लेना है। ध्यान रखें कि सूजी को तेज आंच पे बिल्कुल ना भुने। इसे बीच में इस तरह से लगातार स्टर करते रहें ताकि ये एक समान रूप से भुन जाए। यहाँ पर मैंने मैंगो शीरा की रेसिपी एकदम क्विक बताई हुई है, काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी का रंग बदलने लगा है। दूसरी तरफ आंच पर मैंने 2 गुना पानी यानी कि 2 मीडियम बोल पानी लेकर उबलने के लिए रख दिया है। ध्यान रखें कि सूजी में उबला हुआ पानी ही डालें ताकि सूजी अच्छे से पके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी भूनकर गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसमें मैं डाल दूंगी 1 मीडियम बोल चीनी। चीनी आप अपने मीठे के हिसाब से यूज़ करें, लेकिन बराबर मात्रा में चीनी डालें तो हलवा बहुत टेस्टी बनता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसमें मैं डाल दूंगी 1 मीडियम बोल ये आम का पल्प है, इसे मैंने ग्राइंड करके छान लिया है ताकि इसके सारे रेशे निकल जाएं। अब मैं इस मैंगो पल्प को सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने मैंगो पल्प बनाते समय पानी बिल्कुल नहीं डाला है इसमें, बस इसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करके छान लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी उबला हुआ पानी और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके, ध्यान रखें कि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल ना रहें। पानी डालने के बाद इसे तेज़ी से मिक्स कर लें ताकि सूजी, मैंगो पल्प, चीनी, पानी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और फिर इसे धीमी आंच पर करीब 4 से 5 मिनट के लिए ढककर पका लें। 4 से 5 मिनट बाद इसमें मैं डाल दूंगी ये इलायची का पाउडर, जिससे कि इसे एक बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा। और फिर करीब 4 से 5 बड़े चम्मच छोटे टुकड़ों में कटा हुआ काजू और बादाम, आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए और थोड़ा सा पका लें। तो हमारा यहाँ पर सूजी का हलवा तैयार है और मैंगो फ्लेवर के साथ ये और भी टेस्टी लगता है। सर्व करते समय इसे छोटे टुकड़ों में कटे हुए आम से गार्निश कर लें। तो क्या करूँगी मैं कि इस तरह से आम को स्लाइस करके चाकू की सहायता से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में आम को काट कर निकाल लेना है। तो इस तरह से काटना बहुत ही आसान हो जाता है। अब दूसरी तरफ से भी इसे इस तरह से चीर कर और फिर चाकू की सहायता से आम के पीसेस को छिलके से निकाल लूँगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आम के छोटे छोटे पीसेस कट कर निकल गए हैं। तो इन पीसेस को मैं बोल में डाल दूँगी। तो सबसे पहले मेरी आम के पीसेस की एक लेयरिंग हो जाएगी और इसके ऊपर मैं डालूंगी सूजी का हलवा। तो यहाँ पर मैंने सूजी का हलवा अच्छे से स्टफ़ कर लिया है इस बोल में। इसे मैं एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर लूँगी। तो क्या करना है कि एक प्लेट को बोल के ऊपर रख कर इसे इस तरह से उल्टा घुमा लें और फिर थोड़ा सा टैप करेंगे तो हलवा निकल कर प्लेट में आ जाएगा। ऊपर से मैं थोड़े से और बादाम, पिस्ता और काजू से गार्निश करके इसे तैयार कर लूँगी। तो हमारा यहाँ पर मैंगो शीरा यानी के आम का शीरा बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करिए इस तरह की और भी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा।